सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स के जो मेन फीचर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स में सरकारी कर्मचारियों को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पर अपनी पेंशन के 40% तक के भाग को कम्यूट करा करके लमसम रूप में रिसीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी 40% तक की पेंशन के अमाउंट को कम्यूट करा सकता है और अगर वो चाहे तो 40% से कम अमाउंट को भी कम्यूट करा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो कम्यूटेड वैल्यू होगी पेंशन की, जिसमें 40% को कम्यूट कराया जाएगा, इस अमाउंट को लमसम अमाउंट के रूप में रिटायरमेंट के दिन कर्मचारी को पेमेंट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से 1 साल के अंदर अंदर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, यानी कि अपने पेंशन को कम्यूट कराना चाहता है, तो इसके लिए उसे किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 1 साल की अवधि के बीत जाने के बाद इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है, यानी कि अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाहता है, तो उसके लिए सरकारी कर्मचारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है कि लमसम पेमेंट के लिए जो कैलकुलेशन की जाएगी उसके लिए कम्यूटेशन फैक्टर टेबल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी को जो मंथली पेंशन मिलनी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी उतने पोर्शन से जितना कि वो कम्यूट करा लेता है, और ये जो घटी हुई पेंशन है ये 15 साल के लिए कम की जाएगी। ये जो 15 साल का टाइम है ये कम्यूटेड वैल्यू को प्राप्त करने के दिन से शुरू होकर के 15 साल तक के लिए रहेगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन के साथ डियरनेस रिलीफ मिलती है उसकी कैलकुलेशन ओरिजिनल पेंशन के अमाउंट पर ही की जाएगी, रिड्यूस्ड पेंशन के अमाउंट पर डीआर की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। यानी कि अगर सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन को कम्यूट करा लेता है तो केवल उसकी बेसिक पेंशन का अमाउंट कम हो जाएगा, डीआर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया जाएगा वो इस प्रकार से है। कम्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एम्प्लॉय ने जितनी पेंशन के अमाउंट को कम्यूट कराया है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कम्यूटेशन फैक्टर से और उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 से। इस प्रकार से जो अमाउंट प्राप्त होगा वो पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू कहलाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम्यूटेशन फैक्टर को सरकारी कर्मचारी की नेक्स्ट बर्थडे पर जो एज होगी उसके आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल से लिया जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कैलकुलेट करने में की जाएगी। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से पेंशन के कम्यूटेशन के प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पर सरकारी कर्मचारी का जो लास्ट बेसिक पे है वो 80,000 रुपए है। इसके आधार पर पेंशन का जो बेसिक अमाउंट बनेगा वो लास्ट बेसिक पे का 50% होता है, तो इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे 50% ऑफ 80,000 जो कि 40,000 रुपए होता है। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी 40% के पेंशन को कम्यूट कराना चाहता है तो परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन हो गई 40%। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि पेंशन का कितने पोर्शन का अमाउंट कम्यूटेड किया जाएगा। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे 40% ऑफ 40,000 जो कि पेंशन का बेसिक अमाउंट है। 40,000 का 40% कैलकुलेट करने पर जो अमाउंट आता है वो 16,000 रुपए है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी का जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा उस पर उसकी कितनी एज होगी। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट बर्थडे पर उसकी जो एज होगी वो 61 साल होगी। इस 61 साल की आयु के आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में हम कम्यूटेशन फैक्टर को देखेंगे। इस टेबल में 61 साल के लिए जो कम्यूटेशन फैक्टर दिया गया है वो 8.194 दिया गया है। आइए के लिए एक बार कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को हम देख लेते हैं। ये आपके सामने कम्यूटेशन फैक्टर टेबल है जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है। इस टेबल में एज के साथ कम्यूटेशन फैक्टर दिया गया है। इसमें 61 साल की एज के सामने जो फैक्टर दिया गया है वो 8.194 है। तो आइए अब हम अपने एग्जांपल की कैलकुलेशन को चेक करते हैं।
इस एग्जांपल के लिए पेंशन की जो कम्यूटेड वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले हम कम्यूटेड पोर्शन को लिखेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कम्यूटेशन फैक्टर की और उसमें मल्टीप्लाई की जाएगी 12 की। इस प्रकार से इस एग्जांपल में जो कम्यूटेड पोर्शन है वो 16,000 रुपए है, जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो 8.194 है और इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी 12 की। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आता है वो है 15,73,248 रुपए। यानी कि इस एग्जांपल में जो सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपए के लास्ट बेसिक से रिटायर हो रहा है और वो अपनी पेंशन के 40% अमाउंट को कम्यूट कराना चाहता है, तो उसको जो टोटल कम्यूटेड वैल्यू प्राप्त होगी वो 15,73,248 रुपए होगी। आइए अब हम देखते हैं कि इस कम्यूटेशन का सरकारी कर्मचारी की पेंशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा और कितने समय के लिए वो कम हो जाएगी। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 31 मार्च 2021 है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि सरकारी कर्मचारी को कम्यूटेशन के बाद जो रेजिड्यूरी या रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी वो कितनी होगी। जैसा कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि पेंशन का जो बेसिक अमाउंट होगा यानी कि 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, वो इस एग्जांपल में 40,000 रुपए है और सरकारी कर्मचारी की पेंशन का जो पोर्शन कम्यूट हुआ है उसका अमाउंट है 16,000 रुपए। तो इसके आधार पर जो रेजिड्यूरी या रिड्यूस्ड पेंशन बनेगी वो 40,000 - 16,000 यानी के 24,000 रुपए बनेगी। 40,000 रुपए सरकारी कर्मचारी की ओरिजिनल पेंशन थी जिसमें से 16,000 रुपए को कम्यूट करा लिया गया है। इसके बाद जो अमाउंट बचता है वो 24,000 रुपए बचता है। इस 24,000 रुपए को रेजिड्यूरी पेंशन या रिड्यूस्ड पेंशन कहते हैं। ये जो रिड्यूस्ड पेंशन का पीरियड होगा ये 15 साल के लिए होगा। इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 मार्च 2021 है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से ये 15 साल का पीरियड शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2036 तक ये जारी रहेगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2036 से नॉर्मल पेंशन को रेस्टोर कर दिया जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल पेंशन है 40,000 रुपए ये 1 अप्रैल 2036 से मिलनी शुरू होगी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन से संबंधित जो टेक्निकल चीजें हैं आइए अब हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो इसका क्लेरिफिकेशन ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की डेट से पहले ही उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, या कोई पेंशनर जिसकी रिटायरमेंट की डेट के बाद उसके खिलाफ ऐसी प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी या पेंशनर अपनी पेंशन के या प्रोविजनल पेंशन के किसी पोर्शन को कम्यूट कराने के लिए एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि ये प्रोसीडिंग पेंडेंसी में चल रही हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर पेंशनर ऐसे किसी ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है तो क्या उसकी फैमिली को 40% कम्यूटेशन का ऑप्शन मिल सकता है। तो इसका क्लेरिफिकेशन ये है कि फैमिली पेंशन के लिए फैमिली मेंबर्स को कम्यूट कराने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जिसको फैमिली पेंशन ऑथराइज की जानी है वो अपनी फैमिली पेंशन के किसी पोर्शन को कम्यूट नहीं करा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि रिड्यूस्ड पेंशन की जो इफेक्टिव डेट होगी वो क्या होगी। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारी के द्वारा कम्यूटेड वैल्यू को रिसीव करने या पीएओ के द्वारा अथॉरिटी इशू करने की डेट से 3 महीने के टाइम के एक्सपायर होने के बाद इन दोनों में जो भी कम होगा उस डेट से रिड्यूस्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में जिस दिन से कम्यूटेड वैल्यू को क्रेडिट कर दिया जाएगा उस दिन से उसको रिड्यूस्ड पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कर्मचारी को कम्यूटेड वैल्यू का जो अमाउंट है वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे किया गया है तो सरकारी कर्मचारी को जिस जिस डेट से वो कम्यूटेड अमाउंट मिला है उस डेट से उतने उतनी ही रिड्यूस्ड पेंशन का मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि 15 साल का पीरियड पूरा होने के बाद नॉर्मल पेंशन को शुरू करने के लिए पीएओ या सीपीएओ से किसी प्रकार के ऑथराइजेशन की जरूरत होगी या नहीं। तो इसके क्लेरिफिकेशन में बताया गया है कि 15 साल का पीरियड समाप्त होने के बाद जो नॉर्मल पेंशन है वो ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पीएओ या सीपीएओ से किसी भी प्रकार के ऑथराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है।
पांचवा पॉइंट है कि नॉर्मल पेंशन किस डेट से स्टार्ट हो जाएगी। इसके क्लेरिफिकेशन में बताया गया है कि कम्यूटेशन के प्राप्त होने की डेट से 15 साल का पीरियड पूरा होते ही नॉर्मल पेंशन को रेस्टोर कर दिया जाएगा। छठा पॉइंट है कि रिड्यूस्ड या रेजिडुअल पेंशन क्या होती है। इसका आंसर ये है कि पेंशन के अमाउंट में से कम्यूटेड पोर्शन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम रिड्यूस्ड पेंशन या रेजिडुअल पेंशन या रेजिडुअरी पेंशन कहते हैं। सातवां पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद अगर कम्यूटेशन का कोई एडिशनल अमाउंट दिया जाता है तो उसके लिए कौन सा कम्यूटेशन फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके क्लेरिफिकेशन में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा जो ओरिजिनल एप्लीकेशन दी गई थी पेंशन के कम्यूटेशन के लिए और उसमें जो एज ली गई थी कैलकुलेशन के लिए उसी के बेस पर एडिशनल अमाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी। उसी फैक्टर का इस्तेमाल एडिशनल वैल्यू को कैलकुलेट करने में किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 अगस्त 2016 के OM में ये क्लेरिफाई किया गया है कि अगर लेटर ऑन कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को रिवाइज कर दिया जाता है और उसके बाद एडिशनल वैल्यू का पेमेंट कर्मचारी को किया जाना है तो जो रिवाइज टेबल है उसी के अनुसार कम्यूटेशन फैक्टर को लिया जाएगा, लेकिन जो एज है वो उसमें वही ली जाएगी जो एम्प्लॉय की ओरिजिनल एप्लीकेशन के टाइम पर एज थी। आठवें पॉइंट में दिया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी महीने की पहली तारीख है तो इस केस में कम्यूटेशन है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके क्लेरिफिकेशन में बताया गया है कि एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है वो 60 साल की आयु को पूरा करने के बाद ही रिटायर हो रहा है तो नेक्स्ट बर्थडे पर उसकी जो एज है वो 61 साल ही कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी और उसके लिए जो कम्यूटेशन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा वो 8.194 का ही किया जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी के पास 40% तक अपनी पेंशन को कम्यूट कराने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के टाइम पर 20% पेंशन को कम्यूट करा लेता है तो क्या वो बाकी के 20% को लेटर ऑन किसी डेट पर दोबारा से कम्यूट करा सकता है या नहीं। इसके क्लेरिफिकेशन में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी कम्यूटेशन के लिए केवल एक बार ही ऑप्शन को दे सकता है, सेकंड ऑप्शन का कोई प्रोविजन नहीं है। पहली बार में ही उसने जितने परसेंट ऑफ पेंशन को कम्यूट करा लिया है वही फुल एंड फाइनल होगा, उसके बाद सरकारी कर्मचारी के पास सेकंड ऑप्शन का कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।